A card is drawn and replaced in an ordinary card of pack 42 playing card. The minimum number of times must a card be drawn so that there is at least even chance of getting a heart is. ठीक है, तो बेसिकली अगर अपन देखें तो अपने पास क्या गिवन है, इवन नंबर ऑफ गेटिंग अ चांस का मतलब क्या हो, यहाँ पे एटलीस्ट इसकी प्रोबेबिलिटी जो होनी चाहिए वो हाफ होनी चाहिए. ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी जो है वो हाफ से ग्रेटर होनी चाहिए. यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हार्ट हैज बिन ड्रॉन. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हार्ट हैज बिन ड्रॉन, वन हार्ट हैज बिन ड्रॉन. तो ठीक है, इसकी वैल्यू क्या गिवन है अपने पास, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2 होनी चाहिए. ठीक है, इवन चांस में मतलब क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होनी चाहिए, 1/2. ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं इसको लिखूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं अपन 1 माइनस. ठीक है, 1 माइनस इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हार्ट हैज बिन ड्रॉन. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हार्ट हैज बिन ड्रॉन. ठीक है, नो हार्ट हैज बिन ड्रॉन. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हार्ट को अपन क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नो हार्ट हैज बिन ड्रॉन, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2. अब मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे सिंगल ड्रॉ करूँ, ठीक है, लेट्स से यहाँ पे मैं बोलता हूँ फॉर अ सिंगल ड्रॉ. ठीक है, अगर अपन एक ड्रॉ करें, ठीक है, एक कार्ड अगर अपन ड्रॉ करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हार्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हार्ट. ठीक है, अपन एक ड्रॉ कर रहे हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हार्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपने पास हार्ट के कितने कार्ड्स होते हैं, 13. ठीक है, और टोटल कार्ड कितने होते हैं पैक में, 52. तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी आ गया अपने पास 1/4. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हार्ट क्या आ गया, 1/4. यहाँ से अगर मैं बोलूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हार्ट, ये अपन किस में चेक कर रहे हैं, ये सिंगल ड्रॉ में. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हार्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे यह आ जाएगा 1 माइनस 1/4. तो वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस 1/4 डेट इज इक्वल्स टू 3/4. ठीक है, ये अपने पास वैल्यू आ जाएगा 3/4 होगा. अब ये वन ड्रॉ के लिए है. ठीक है, अगर मैं एन ड्रॉ करूँ, ठीक है, अगर अपन बोले यहाँ से मैं 4n ड्रॉ. ठीक है, अगर अपन एन कार्ड ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, अगर मैं एन ड्रॉ कर रहा हूँ तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हार्ट क्या आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हार्ट क्या होगा इन एन ड्रॉ. तो ये आ जाएगा अपने पास वन ड्रॉ के लिए प्रोबेबिलिटी क्या है नॉट गेटिंग हार्ट, 3/4. तो यह आ जाएगा 3/4 की पावर एन, 3/4 जो होगा वो एन टाइम्स रिपीट होगा. ठीक है, तो ये यहाँ पे इसके लिए वैल्यू होगा. अब अपने पास जो इक्वेशन गिवन है, ठीक है, लेट से मैं जो गिवन इक्वेशन ऊपर में आया था उसको अगर लेट से मैं यहाँ पे इसको क्या बोल देता हूँ इक्वेशन वन, तो इक्वेशन वन में मैं ये वैल्यू पुट कर दूँ. ठीक है, अपन इक्वेशन वन में ये वैल्यू पुट कर देते हैं. तो इन इक्वेशन वन, तो इस इक्वेशन में वन में मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग हार्ट इन एन स्टेप, मतलब एन ड्रॉन के लिए अपन क्या लिख देंगे, 1 माइनस ये वैल्यू आ जाएगा 3/4 की पावर एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/2. तो ये अपने पास इक्वेशन आ गया. अपने को एन की वैल्यू बताना है, एन क्या होगा यहाँ पे, इंटीजर होगा. एन जो होगा वो क्या होगा, इंटीजर होगा. यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू देखूँ तो एन अपना क्या होगा यहाँ पे, इंटीजर, क्योंकि एन जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, नंबर को डिनोट कर रहा है. ठीक है, एक कार्ड ड्रॉ करे या तो दो कार्ड ड्रॉ करे या थ्री कार्ड ड्रॉ करे, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू अगर अपन देखें तो यह आ जाएगा -3/4 की पावर एन इज ग्रेटर देन इक्वल्स, ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 -1. ठीक है, यहाँ से अब अपन इस यहाँ पे मैं एन के लिए इसको सॉल्व कर रहा हूँ. तो अपन इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग लेके सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये एक्सपोनेंट का इक्वेशन है. ये वैल्यू आ जाएगा -3/4 की पावर n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये वैल्यू क्या आ जाएगा, -1/2. अब अपन इसमें क्या करें, माइनस से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ. ठीक है, अब अगर मैं इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आ जाएगा 3/4 की पावर n, और माइनस से मल्टीप्लाई कर तो डायरेक्शन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाता है और ये वैल्यू आ जाएगा 1/2. अब मैं इसमें क्या करूँ, लॉग ले लेते अपन. ठीक है, इसमें दोनों साइड बेस 10 में लॉग ले लेते हैं. ठीक है, तो यह आ जाएगा लॉग बेस 10, और ये आ जाएगा 3/4 की पावर n इज लेस देन इक्वल्स टू लॉग बेस 10, और ये क्या आ जाएगा, 1/2. ठीक है, ये आ जाएगा 1/2. अपने को n की वैल्यू बतानी है, तो n की वैल्यू अगर अपने को बतानी है तो लेट से मैं इसकी वैल्यू चेक करते अपन. अगर मैं इसकी वैल्यू चेक करूँ तो ये क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा n टाइम्स ऑफ, ये क्या आ जाएगा, लॉग, इसको अपन क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस 10 3 माइनस लॉग बेस 10 4. ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, लेस देन इक्वल्स टू लॉग बेस 1 माइनस लॉग बेस 2. ठीक है, तब अपन इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दे,
बेसिस में क्या है 10 है, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करता हूँ, दिया जाएगा एन टाइम्स ऑफ लॉग बेस 10, 3 की वैल्यू क्या होती है, तो इसकी वैल्यू पुट करूँ दिया जाएगा 0.4771, ठीक है। और इसमें ये क्या आ गया 3 की वैल्यू, माइनस अगर अपन यहाँ पे मैं 4 की वैल्यू पुट करूँ तो 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगा 0.602, ठीक है। और ये लेस देन इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू तो 1 होगी, ठीक है, 1 है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 0 होगी, ठीक है, ये अपने पास 0 होगी। माइनस लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है, बेस कुछ भी हो उसकी वैल्यू क्या होती है, 0, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूँ तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगा 0.3010, ठीक है। यहाँ से वो अगर मैं एन की वैल्यू बोलूँ तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे एन की वैल्यू आ जाएगी एन लेस देन इक्वल्स टू, एन की वैल्यू अगर अपन देखें तो यहाँ पे मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आएगा, लेट से यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा, इसको अपन सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे इसके ब्रैकेट में नेगेटिव वैल्यू आएगा, ठीक है, ये वैल्यू आ जाएगा माइनस ऑफ 0.1249, और ये क्या वैल्यू क्या है, ये लेस देन इक्वल्स टू यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, माइनस ऑफ 0.3010, ठीक है, माइनस ऑफ 0.3010। यहाँ पर अगर मैं माइनस से अगर इसमें मल्टीप्लाई करूँ तो ये क्या आ जाएगा, एन इंटू यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 0.1249 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगा 0.301, ठीक है। तो यहाँ से एन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0.301 डिवाइडेड बाई 0.1249, तो यहाँ से एन के लिए जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इसको डिवाइड करें ये यहाँ से ये वैल्यू आता है 0.0241, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, ग्रेटर देन 0.2, यहाँ से इसकी वैल्यू जो होती है ये, इसको अगर अपन डिवाइड करें तो ये वैल्यू अपने पास आ जाएगा 2.41। तब एन क्या होगा, एन जो होगा वो इंटीजर होगा तो इससे ग्रेटर होनी चाहिए एन की वैल्यू, तो एन के लिए अगर अपन मिनिमम वैल्यू बोले तो एन इंटीजर है तो मिनिमम इंटीजर वैल्यू जो इसका होगा वो क्या होगा, 3, ठीक है। तो जो अपने को मिनिमम ड्रॉ करना होगा कार्ड को वो 3 कार्ड ड्रॉ करना होगा, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।